अगर आपका सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, बाल जड़ों से बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, गंजेपन का शिकार हो रहे हो और चाहते हो कोई घर का DIY ऐसा जिससे बाल बहुत ज़्यादा मोटे लंबे घने हो और हेयर फॉल एकदम से रुक जाए, तो आज के इस वीडियो में एकदम नेचुरल रेमेडी में आपको बताने वाली हूँ किचन की चीज़ों से आप ऐसा DIY बना सकते हो जिससे आपका मैसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा, गंजेपन से दूर, डैंड्रफ, इचनेस, रूखे सूखे बाल सब हट जाएंगे और बाल बहुत चमकदार हो जाएंगे। गाइस आप देख रहे हो मैंने गलती से अपनी रेमेडी को अपने माथे के ऊपर लगा लिया यहाँ पे और मेरे हेयर ग्रोथ यहाँ सर के ऊपर भी आ गया, मतलब माथे के ऊपर। ये देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखो कितने गंदे लग रहे हैं। मतलब सर के ऊपर बाल अच्छे लगते हैं पर ऐसे माथे पे, फॉरहेड पे इतने लंबे बाल, ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग DIY रेमेडी बनाई और गलती से यहाँ भी लगा लिया, पता ही नहीं चला, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है। तो मेरी रेमेडीज को ना सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाया करो, अपने माथे पे या कहीं और फेस पे लगा दिया ना तो फेशियल हेयर हो जाएंगे, फिर मुझे मत बोलना कि ये कैसा रिजल्ट रहा आपके बालों के साथ। सारे व्यूअर्स वेट करते हैं कमेंट में आपके रिजल्ट्स के रिप्लाई का। तो अगर मेरी रेमेडीज को लगा कि आपके हेयर ग्रोथ अच्छे होते हैं तो प्लीज यार बता के जाया करो। नाउ आप देख रहे हो विनेशल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप अपने बालों में ऐसे हाँ डालते हो और आपके बाल सॉफ्ट नहीं लगते, झाड़ू की जैसे कड़क बाल लग रहे होते हैं, तो आपको जरूरत है सीरम की। आप अपने बालों में सीरम लगाया करो, फेस पे जैसे सीरम लगाते हैं ना, बालों के लिए भी सीरम आता है, शैम्पू के बाद लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एंड अगर आप महंगे महंगे सीरम्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सिंपली एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। जैसे आपको जरा सा एलोवेरा जेल लेना, कोशिश करना ऐसा एलोवेरा जेल लो जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसको अपने फिंगर्स में रब करो एंड अपने बालों में लगा लो। यहाँ से जितने भी बेबी हेयर होते हैं ना वो भी सेट हो जाते हैं, जैसे क्योंकि मेरे बहुत सारे बेबी हेयर हो रहे हैं, नए नए बाल उग रहे हैं क्योंकि मैंने इतनी सारी रेमेडीज बना के लगाई हैं और आपके साथ शेयर की है, उसकी वजह से मेरा हेयर ग्रोथ तो मतलब मैसिव हेयर ग्रोथ हो रहा है। ओ माय गॉड, एलोवेरा जेल लगाते ही बालों में अलग से चमक इंस्टेंट आ जाती है, इंस्टेंट शाइन आ गई है। आप देख रहे हो गाइस, एलोवेरा के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है कि आपके बालों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर एड करता है। यहाँ से बाल जो रूखे सूखे बेजान होते हैं ना, इंस्टेंटली उनमें जान सी फील होती है एंड बहुत शाइन करते हैं। तो आप इसको जड़ों में भी लगाओ एंड मैंने स्कैल्प मसाज भी दिया है, स्कैल्प में भी अच्छी तरीके से मसाज कर लो, शैम्पू के बाद या शैम्पू से पहले भी आप इसको लगा सकते हो, बस फास्टर एंड मैसिव हेयर ग्रो, एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं बाल। नाउ अगला हैक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बालों में या तो बहुत ज्यादा डैंड्रफ है या जू पड़ गए हैं बालों में, लीक है या बालों की जड़ें बहुत कमजोर है, हाथ डालते ही बाल टूट जाते हैं, पतले होते जा रहे हैं बाल, तो ऐसे में आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल इज द बेस्ट फॉर योर हेयर ग्रोथ और जू को मारने में या फिर बालों से डैंड्रफ हटाने में बहुत असरदार है। क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं या डैंड्रफ पड़ रहा है, मैं ये वाला टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले लेती हूँ और इसको मिक्स कर देती हूँ, किसी भी आप वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हो या फिर किसी भी कैरियर ऑयल, मतलब कोकोनट ऑयल में मिक्स कर दो, आमंड ऑयल में मिक्स कर दो, किसी भी ऑयल में या जूस में या टॉनिक में या शैम्पू में, कंडीशनर में, किसी भी चीज के अंदर इसकी 2-3 बूंदे आप मिक्स कर दो, काफी होता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, तो 3-4 बूंद से ज्यादा आप यूज मत करना, उसको अच्छे से शेक करो एंड देन अपने बालों में स्प्रे कर दो। कुछ इस तरीके से आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हो और जो आपको स्प्रे करना है ये आप शैम्पू के पहले भी कर सकते हो, शैम्पू के बाद भी कर सकते हो, या फिर सिंपली टी ट्री एसेंशियल ऑयल को आप अपने शैम्पू के अंदर भी एड करके अपने बालों में लगा सकते हो। ये इतना वर्सेटाइल है, इनफैक्ट ये आपके पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर किसी भी DIY स्किन केयर या मॉइस्चराइजर के अंदर आप 1 से 2 बूंद मिक्स करके लगाते हो ना, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम भी दूर कर देता है, बट स्टिल पैच टेस्ट जरूर करना है, एसेंशियल ऑयल वगैरह कंसंट्रेटेड होते हैं। बाय द वे मैंने यहाँ पे यूज किया है एल्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल, बहुत ही छोटी बॉटल में आता है लेकिन ये आपका आराम से 6-7 महीने चल जाता है, क्योंकि कुछ ही बूंद इसकी यूज करनी होती है, बहुत ही अफोर्डेबल डिस्काउंटेड प्राइस पे भी मिल रहा है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां क्लिक करके आप अपने लिए मंगवाना, जरूर जरूर मंगवाना। अगर आप हेयर केयर DIY करते हो तो टी ट्री एसेंशियल ऑयल से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अब मैं तो क्या करती हूँ कि जब बालों में कंघी करनी होती है ना, तो जो स्प्रे बॉटल के अंदर मैंने टी ट्री एसेंशियल ऑयल की बूंदे डाल रखी है ना, वो मैं कंघी के ऊपर स्प्रे कर देती हूँ अच्छी तरीके से एंड देन अपने बालों में कंघी करती हूँ। 2 चीजें होती है, बालों की कंघी भी हो जाती है और कंघी के ऊपर जो बूंदे होती है ना टी ट्री एसेंशियल ऑयल की, वो मेरे बालों में इक्वली इवनली ट्रांसफर हो जाती है, जड़ों तक भी पहुंच जाती है, लेंथ शाफ्ट में भी पहुंचती है, जिससे बालों को पूरा पोषण मिलता है।
बालों में ट्रॉपिकली आप क्या लगा सकते हो जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए। किचन में जाओ, एक लोहे की कढ़ाई लो, नहीं है तो किसी और पैन में ले लो, लेकिन लोहे की कढ़ाई इज द बेस्ट। एक ग्लास पानी ऐड करो उसके अंदर, उसके बाद एक चम्मच ब्लैक अनियन सीड डालो, एक चम्मच चाय पत्ती, एक चम्मच मेथी, 4 से 5 करी लीव्स के पत्ते, 2 प्याज के छिलके, 1 इंच अदरक को अच्छे से कूट करके पानी के अंदर डाल दो। इसको 8 से 10 मिनट तक अच्छे से आप उबालोगे, धीमी आंच पे उबालना। वैसे इस DIY रेमेडी को बनाते वक्त ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने बालों के लिए कुछ अच्छी और आयुर्वेदिक चीज़ बना रहे हो। इन केस आपके मन में डाउट हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं क्या करूँ, वो नहीं है, तो आप, मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई उनमें से मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो अपने किचन में आप अरेंज कर लो। इस आयुर्वेदिक काढ़े का हर एक इन्ग्रीडियंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक अकेले भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लोगे ना तो मिल करके ये हर तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगा रिलेटेड टू योर हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, बालों में सॉफ्टनेस चाहिए, शाइन चाहिए, तो सब आपको ये प्रोवाइड कर देगा। बस ये काढ़ा आप बना लेना। अच्छा, जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके ठंडा होने का आप इंतजार करोगे। ये जो इसके अंदर की सामग्री जो बच जाएगी ना, आपको छानना होगा, उसको आप पीस करके एज अ कंडीशनर भी यूज कर सकते हो। उसका कैसे इस्तेमाल करना है डिटेल वीडियो मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी, बट हाँ, गर्ल, बॉय, टीनेजर, मेल, फीमेल कोई भी इसको यूज कर सकता है। के बाद इसको छान लो एंड किसी भी कटोरी में या स्प्रे बॉटल में डाल दो। अब जब आप शैम्पू करोगे, शैम्पू करने से पहले अच्छे तरीके से बालों में कंघी कर लो, उलझे बालों में शैम्पू नहीं करोगे आप। शैम्पू करने के 1 घंटे पहले बालों में कंघी कर लो, ये स्प्रे अच्छे से अपने बालों में डाल लो, अच्छे से 10-15 मिनट चंपी दो। लिटरली नींद आने लग जाती है चंपी लेते हुए, मुझे भी। अगर आप चंपी लेते हो तो काफी अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस हो जाता है आपके स्कैल्प का, जिससे जो भी प्रोडक्ट आप अप्लाई कर रहे हो वो डीप डाउन रूट में वर्क करता है, पेनिट्रेट होकर के जाता है। उसके बाद 1.5 से 1 घंटा इंतजार करो, जो आपने ये काढ़ा बनाया है अपने बालों के लिए, आप चाहे इसको हेयर टॉनिक बुलाओ या काढ़ा बुलाओ या फिर अपने बालों के लिए अमृत जल का नाम दे दो, ये इतना मैजिकली वर्क करता है ना आपके बालों में, आई कांट टेल यू। आप छोड़ दो सारी चीजें, जो भी कर रहे हो छोड़ दो। अगर बाल टूट रहे हैं तो एक बार सिर्फ ये वाली रेमेडी ट्राई करके देखो, आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। अपने एक्सपीरियंस से इतनी मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूं, जो इतना ब्यूटीफुली वर्क करता है ना आपके बालों में। जस्ट कंघी कर दीजिए अपने बालों में 1 घंटे बाद। अब आपको शैम्पू करना है, शैम्पू करने का तरीका ये फॉलो कर लेना। पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से गीला करोगे, उसके बाद आपने जो बालों में लगाया था ना थोड़ा सा बचा लेना। अब उस बचे हुए काढ़े के अंदर शैम्पू और ऐड कर दो, शैम्पू को अच्छे से मिक्स करो, गीले बालों के ऊपर शैम्पू डाल लो, अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, मसाज दो, 2 से 3 मिनट तक मसाज दो, उसके बाद नॉर्मल वाटर से बाल धो लो, शैम्पू हट गया। उसके बाद अपने बालों में कंडीशनर लगा लो, चाहो तो काफी अच्छा होता है, बालों से और सॉफ्ट हो जाते हैं, नहीं लगाना तो स्किप भी कर सकते हो। कंडीशनर लगाने के बाद 5 से 10 मिनट इंतजार करना नेचुरल बालों को ड्राई होने। एक बार जो बाल आपके सूख जाएंगे, आप रियलाइज करोगे कि जब से आपने ये काढ़ा लगाया, आपने शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया, बाल सुखाया, कंघी की, 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, बाल तो टूटे ही नहीं, बाल तो लंबे होते जा रहे हैं, एंड बालों में अलग से शाइन नजर आ रही है, बालों में वॉल्यूम कहां से आ गया है, ये किसके बाल है, मैंने विक तो नहीं लगा ली, ऐसी वाली फीलिंग आपको ना आए तो नाम बदल देना। मैंने पिछले 10-15 दिनों से बाल नहीं धोए थे इस वीडियो को शूट करने के पर्पस के लिए, मैंने अपने बालों को जानबूझ के मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो देखो बिफोर मेरे बाल कैसे थोड़े से डल लग रहे हैं, आफ्टर देखो कितना शाइन कर रहा है ये काढ़ा लगाने के बाद। इतना मैजिकल काढ़ा आपको कहीं दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा, आप इसको लगाओ। इसके अंदर भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है। सो पर्सनली मैं इसको शैम्पू करने से पहले लगाती हूँ एंड देन रेकमेंड करती हूँ, आप रिजल्ट खुद ही देख सकते हो। वो कहते हैं ना घड़ी की एड, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आप करो इस्तेमाल, करो फिर विश्वास। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।